by Lovely Finance. I hope you are enjoying your computer classes and I hope that you are doing the practice of practical which we are doing, the topics which you are doing in MS Paint. You have to do the practice in the computer or laptop, whatever you are having, okay? So in the last class, we have discussed about the types of selection, rectangular selection, uniform selection, select all, and how to delete a portion of your drawing. So in today's class, we are going to discuss about how you can cut, copy and paste any part of your drawing. And after that, we will discuss about zoom in and zoom out. Zoom out, I'll explain when we do the topic, and how you can save your drawing in different file formats. So these are the topics which we are going to do today. So let's start the topics. So this is the last drawing which we have made. Okay, we have made this Joker face. So now using this, today we'll learn how to cut, copy and paste any part of your drawing, any portion of your drawing or any part of the drawing. Aapki drawing ka koi bhi part, koi bhi hissa, agar aap cut karna chahte ho, copy karna chahte ho aur paste karna chahte ho, to hum kaise karenge? So we'll see. So सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे वो पार्ट जो हम कट करना चाहते हैं. ओके, कट कमांड से क्या होता है, इट रिमूव्स द सेलेक्टेड पोर्शन और सेलेक्टेड पार्ट ऑफ अ ड्राइंग. जो भी पार्ट हम सेलेक्ट करेंगे उस पार्ट को ये रिमूव कर देता है ड्राइंग से. ओके, और वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है वो पार्ट हमारा क्लिपबोर्ड पे टेम्परेरली स्टोर हो जाता है. पेस्ट करने के बाद आफ्टर सम टाइम इट विल बी, जैसे ही हम दोबारा कट या कॉपी कमांड यूज़ करेंगे वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा. सो सबसे पहले यूजिंग द सिलेक्शन टूल हम सेलेक्ट करेंगे पार्ट ऑफ द पिक्चर. सो यू कैन सी हेयर, दिस इज़ योर सिलेक्ट टूल. सो टेक द माउस पॉइंटर देयर, क्लिक ऑन द सिलेक्ट ऑप्शन, क्लिक ऑन रेक्टेंगुलर सिलेक्शन. आप फ्री फॉर्म सिलेक्शन भी चूज कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू. नाउ क्लिक एंड ड्रैग द माउस. सी, देखो, वंस यू विल क्लिक एंड ड्रैग एंड आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द पार्ट विच यू वॉन्ट टू कट, जो पार्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हो आपको बस लेफ्ट माउस बटन प्रेस करना है, कीप द बटन प्रेस्ड और माउस को ड्रैग करना है. जो भी पार्ट आपको सेलेक्ट करना है उसके ऊपर आपको ड्रैग करना है. जब वो पूरा ड्रैग हो जाए जस्ट रिलीज द माउस. ओके, व्हेन यू विल रिलीज द माउस यू कैन सी दिस बॉक्स विल कम. ओके, नाउ यू कैन सी हेयर, दिस इज़ योर क्लिप बोर्ड ग्रुप. ये आपका क्लिप बोर्ड ग्रुप है. यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो कट. सो अभी हम कट कमांड कर रहे हैं तो हम क्लिक करेंगे कट ऑप्शन पे. ओके, सी जैसे ही हमने कट कमांड पे क्लिक किया, देखो जो भी सिलेक्टेड पार्ट था वो हमारा रिमूव हो गया है. अब वो जो रिमूव हुआ है वो परमानेंटली रिमूव नहीं हुआ है, वो क्लिपबोर्ड पे स्टोर हो जाता है टेम्परेरली. ओके, अब जो हमने कट किया है पार्ट, अगर हम उसको पेस्ट करना चाहते हैं, किसी भी पार्ट को जो भी आप कट करते हैं या कॉपी करते हैं उसको आप पेस्ट कर सकते हो सेम ड्राइंग में या किसी भी डिफरेंट ड्राइंग में भी. ओके, जैसे हम यहाँ भी पेस्ट कर सकते हैं और किसी दूसरी ड्राइंग में भी पेस्ट कर सकते हैं. सो पहले यहाँ पे करते हैं. एक क्लिपबोर्ड ग्रुप पे आपको पेस्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है, क्लिक ऑन इट. सी जैसे ही आप पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, आपके पेंट विंडो के ड्राइंग एरिया में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हमेशा वो पोर्शन या पिक्चर जो भी हम कट कॉपी करते हैं वो पेस्ट होगा. इट विल ऑलवेज बी पेस्टेड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर ड्राइंग एरिया. ये आपका ड्राइंग एरिया है कम्प्लीट,
एंड दिस इज़ द टॉप लेफ्ट कॉर्नर. तो हमेशा आपको पेस्ट जो भी आप पार्ट करोगे, कोई भी पिक्चर अगर पेस्ट करते हो या कट कॉपी करके आप पेस्ट करते हो, हमेशा वो आपको यहाँ पे पेस्ट होगी. ओके, द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ ड्राइंग एरिया. अब आप इसको मूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माउस. जैसे ही आप पॉइंटर इसके ऊपर लेके आओगे, यू कैन सी आपका फोर हेडेड एरो आ गया. नाउ यू कैन मूव दिस पिक्चर. आप इसको कहीं पे भी मूव करा सकते हो. जहाँ से आपने इसको हटाया था, आप वापस इसको वहाँ भी लगा सकते हो. देखो, डन. सो दिस इज़ हाउ यू कैन कट एंड पेस्ट. ओके, नाउ इन द सेम वे विल डू द कॉपी कमांड. कॉपी कमांड इज सेम एज योर कट कमांड. द ओनली डिफरेंस इज इट विल नॉट रिमूव द सेलेक्टेड पार्ट. ये जो भी हम पार्ट सेलेक्ट करेंगे ड्राइंग का, उसको रिमूव नहीं करेगा. ओके, सो अगेन सेलेक्ट द सिलेक्शन टूल, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन. सेलेक्ट द पोर्शन ऑफ द पिक्चर और ड्राइंग. Now here on the clipboard group you can see the copy command here. So click on the copy command. Now see, जैसे ही copy command पे हमने click किया, ये जो भी हमारा selected portion था drawing का, वो remove नहीं हुआ, वहाँ से हटा नहीं है. Okay? But जब हमने cut command use किया था, ये हट गया था. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कट एंड कॉपी. कट में वो पार्ट, सिलेक्टेड पार्ट रिमूव हो जाता है और कॉपी में वो रिमूव नहीं होता है. तो अब हमने कॉपी कर लिया है. अब क्लिपबोर्ड ग्रुप से सेम पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. सी, देखो पेस्ट हमने सिलेक्टेड पार्ट किया, वहीं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आया. और देखो हमारी ये कंप्लीट पिक्चर भी है, और जो पार्ट हमने सिलेक्ट किया था वो हमारा अलग से भी आ गया है, बिकॉज हमने उसको कॉपी किया था. ओके, अब आप इसको कहीं भी मूव करा सकते हो यूजिंग द माउस. यू कैन मूव वेयर एवर यू वांट. ओके, और अगर आप इसको किसी दूसरी ड्राइंग में पेस्ट करना चाहते हो, क्लिक ऑन द फाइल. ये फाइल पे आप जाओगे, साइड में यहाँ पे आपको नज़र आएंगी आपकी और भी फाइल्स. सो लाइक हम ये स्नोमैन वाली फाइल ओपन करते हैं. क्लिक ऑन द स्नोमैन. देखो अब हम यहाँ पे पेस्ट कमांड पे क्लिक करेंगे, और हमने इससे पहले कॉपी किया था ना. सी, देखो यहाँ पे भी आ गई वो. सो इस तरह से हम किसी भी ड्राइंग में या सेम ड्राइंग में हम पेस्ट कर सकते हैं जो भी पार्ट हम कट या कॉपी करते हैं. ओके, सो इसको हम क्लोज कर देते हैं. नाउ ठीक है, हमने ये किया था, अभी कॉपी किया था. So paste a picture into paint. We can also paste an existing picture or drawing into paint. So how we will do that? Means आपके computer में या laptop में कोई भी अगर already picture है, अगर उसको आप paint में paste करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर आप देख सकते हो paste command के नीचे drop down arrow है. हम इस पर click करेंगे. Now click on the option paste from, कि हमें कहाँ से paste करना है. Okay, so जैसे ही हम paste from पे click करेंगे, आपका paste from dialog box appear होगा. अब हमें यहाँ से select करना है कि हमें कौन सी picture paste करनी है. तो like हम ये mobile phone ही select कर लेते हैं, और ये open option आपको नज़र आ रहा है, we'll click on it. See,
सो एज आई टोल्ड यू कि कोई भी पिक्चर अगर आप पेस्ट करते हैं या ड्राइंग का कोई भी पार्ट अगर आप कट कॉपी करके पेस्ट करते हैं, वो हमेशा आपके ड्राइंग एरिया के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ही पेस्ट होगा। ओके, अब यूजिंग दीज कॉर्नर्स, ये आपको जो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं इनसे आप इसका साइज़ छोटा कर सकते हो पिक्चर का। देखो, एंड नाउ यू कैन मूव दिस पिक्चर एनी वेयर, जहाँ पे भी आप इसको मूव करना चाहते हो आप इसको मूव कर सकते हो। ओके, सो दिस इज योर पेस्टिंग अ पिक्चर विच इज ऑलरेडी देयर इन योर कंप्यूटर और इन योर लैपटॉप। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जूम इन एंड जूम आउट। जूम इन जूम आउट ऑप्शंस आर यूज टू गेट अ लार्जर एंड स्मॉलर व्यू ऑफ योर ड्राइंग। अगर आपको अपनी ड्राइंग को बड़ा करके देखना है, जूम करके देखना है या छोटा करके देखना है, सो वी कैन यूज़ द जूम इन एंड जूम आउट ऑप्शंस। यू कैन सी हेयर आई टोल्ड यू द इन पेंट वी हैव टू टैब्स, होम टैब एंड व्यू टैब। सो व्यू टैब पे हम क्लिक करेंगे एंड देयर विल गेट द ऑप्शन ऑफ जूम इन एंड जूम आउट। सो क्लिक ऑन द व्यू टैब। नाउ हेयर यू कैन सी जूम इन एंड जूम आउट। व्हेन यू यूज द जूम इन ऑप्शन फ्रॉम द जूम ग्रुप, यू कैन सी द ग्रुप नेम हेयर, जूम ग्रुप। सो जब हम जूम इन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हो प्लस का सिंबल है, तो प्लस का सिंबल मींस बड़ा करना। देखो, अब मैं इस पे क्लिक करूँगी, आप देखना क्या इफेक्ट होता है ड्राइंग पे। देखो, आपकी ड्राइंग बड़ी हो गई। ओके, अगर मैं इसको और जूम इन करती हूँ, सी, और बड़ी हो गई। ओके, नाउ इफ विल यूज़ द जूम आउट ऑप्शन, माइनस साइन इज़ देयर, इट मीन्स साइज हमारा ड्राइंग का स्मॉल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। देखो, अगर और छोटा करना है, सो दिस वे वी कैन व्यू आर ड्राइंग, व्यू आर पिक्चर और इमेज बाय यूजिंग द जूम ऑप्शंस। ओके, टू सी द इमेज इन एक्चुअल साइज, जो एक्चुअल साइज है आपकी इमेज का, अगर उसमें आपको व्यू करना है, सो देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस 100%। तो जैसे ही आप 100% पे क्लिक करेंगे, आपका जो ओरिजिनल साइज है पिक्चर का वो आ जाएगा। अब यही आपका ओरिजिनल साइज है। अब आप देखो, नीचे देखेंगे, ये नीचे आपका, नीचे इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। देखो, यहाँ पे भी आपका माइनस और प्लस साइन है, तो यहाँ से भी आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे ये 100% है, मीन्स ये एक्चुअल साइज है। अगर आप इस ब्लू पॉइंटर को माइनस साइन की तरफ लेके आओगे तो साइज छोटा हो जाएगा, और प्लस साइन की तरफ लेके जाओगे तो आपके ड्राइंग का साइज बड़ा हो जाएगा। देखो, आई विल शो यू, सी, नाउ इट इज़ 50%, नाउ सी इट इज़ 300%। ओके, सो दिस वे यू कैन यूज़ द जूम इन जूम जूम आउट ऑप्शन फ्रॉम स्टेटस बार ऑल्सो एंड फ्रॉम द व्यू टैब ऑल्सो। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर मोर ऑन एम एस पेंट, सेविंग फाइल्स इन डिफरेंट फॉर्मेट इन एम एस पेंट। सो बाई डिफॉल्ट फाइल्स इन एम एस पेंट आर सेव्ड इन BMP फॉर्मेट। अब जब हम अपनी फाइल को सेव करते हैं तो हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पेंट में हम जो भी ड्राइंग्स बनाते हैं, पिक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं, वो सब BMP फॉर्मेट में सेव होते हैं। आई विल शो यू। देखो,
मैंने सेव एज पे क्लिक किया, आप ये देखो नीचे देख सकते हो सेव एज टाइप। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग फॉर्मेट नज़र आएंगे। सी दिस इज़ डॉट बी एम पी, दिस इज़ 16 कलर बिट मैप। तो बी एम पी क्या होता है? बिट मैप। देन जे पी ई जी, जी आई एफ, पी एन जी, दीज आर द डिफरेंट फॉर्मेट्स इन विच वी कैन सेव आर पिक्चर। ओके, सो क्लिक ऑन द सेव टूल, देन सेव एज डायलॉग बॉक्स। यू कैन सी द सेव एज डायलॉग बॉक्स इज हेयर इन सेव एज टाइप बॉक्स। दिस इज द सेव एज टाइप बॉक्स। सो हेयर यू कैन सी अ लिस्ट ऑफ फॉर्मेट्स एंड यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द ऑप्शन विच यू वॉन्ट टू सेलेक्ट। पी एन जी है अगर आपको जे पी ई जी चाहिए, अगर आपको जी आई एफ चाहिए। ओके, सो यू कैन सेव इट एंड क्लिक ऑन सेव बटन। ओके, सो नाउ इट इज सेव्ड। सो दिस इज योर चैप्टर ऑल अबाउट। And at the back of your end of the chapter, there are some tools to revise, like fill with color tool, eraser tool, freeform selection. You can see here. So once revise it from here, pencil tool आपको पता है, magnifier tool is, it enlarges the selected area of the image. Means जो भी portion आप select करोगे उसको बड़ा कर देगा। देखो this is your magnifier tool. So जब आप magnifier tool पे आप select करते हो magnifier tool, और जिस पे भी आप click करोगे, see वो portion आपका एनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ओके, अब देखो ये इतना बड़ा हो गया, अब हमें इसे वापस लेके आना इसकी ओरिजिनल शेप में। सो मैंने बताया था अगर हमें अपने एक्शंस को रिवर्स करना है, कैंसिल करना है, अगर हमें अपना जो भी अभी हमने एक्शंस परफॉर्म किए, तो हम क्या यूज़ करेंगे? अंडू फीचर। सो हेयर इज़ योर अंडू बटन, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। So just using the zoom in zoom out option, click on 100% from here, or you can use the view tab. Okay, then we have brushes draws the line of different shapes and width. आपके यहाँ पे brushes हैं, आप जब brushes पे click करेंगे तो आप देख सकते हैं different shapes की और different साइज़ की। साइज़ हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स की, आप देख सकते हैं डिफरेंस। देखो ओके, सो दिस वे यू कैन सी द डिफरेंस एंड साइज़, और उनके पैटर्न में भी डिफरेंस है। जब आप ड्रॉ करोगे देखो आपको अलग से नज़र आएगा, और साथ में नेम भी मेंशन है। फर्स्ट इज़ योर ब्रश, देन यू हैव कैलीग्राफी ब्रश वन, देन यू हैव कैलीग्राफी ब्रश टू, देन वी हैव एयर ब्रश, देन वी हैव ऑयल ब्रश, देन वी हैव क्रेयॉन, देन वी हैव मार्कर, देन वी हैव नेचुरल पेंसिल, एंड देन वी हैव वाटर कलर। सो दिस इज़ द वाटर कलर, दिस इज़ द वाटर कलर। देखो जब हम वाटर कलर यूज़ करते हैं तो ऐसे ही इफ़ेक्ट आता है ना। सो दीज आर द डिफरेंट ब्रशेज विच आर अवेलेबल इन योर पेंट विच यू कैन यूज़ इन योर ड्राॅइंग।
Then text tool we have, this is the text tool, this A, this is your text tool. So it is used to write the text. So जैसे ही आप text tools choose करेंगे तो यहाँ पे एक अलग से text tab आ जाएगा. यहाँ से आप text का size बड़ा कर सकते हैं. Okay. Now you can type your name. Okay. So text tool is used to type the text on the drawing. Line tool, we can draw a straight line. Curve tool, draw a curve line. So आपकी curve tool कहाँ है? This is your curve tool. The second one here, this is your curve tool. आप curve tool select करेंगे. देखो, this is their curve tool. Rectangle tool to draw a rectangular shape. Polygon tool to draw a polygon shape. Oval tool to draw a circle. Okay, so these are the tools. So everyone just revise the tools and practice this in your laptop and computer. ये आपको खुद से पेंट में, MS पेंट में जो जो हमने ड्रॉ किया है और जो जो हमने टूल्स यूज़ किए हैं, टॉपिक्स किए हैं, वो सब आपको खुद से ट्राई करने हैं MS पेंट में. जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे बेटा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे. सो इट्स बेटर यू विल प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ इन MS पेंट. ओके, एंड इफ़ यू विल हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट रिलेटेड टू द चैप्टर, वी कैन डिस्कस इन द जूम सेशन. ओके, सो वंस गो थ्रू द चैप्टर एंड मार्क योर डाउट्स विद द पेंसिल. ओके, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू इट्स एक्सरसाइज. थैंक यू.